अपने शहीदों को याद करते हुए, क्योंकि भगत सिंह एक पूरी क्रांतिकारी विरासत, एक पूरी क्रांतिकारी परंपरा को वाहन करने वाले क्रांतिकारी थे, और आज उनको याद करना इसलिए जरूरी है कि ये आने वाले बच्चे जान सके कि देश की आजादी के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने जो कुर्बानी दी थी उसको आज सजो के रखना है। भगत सिंह को याद करने का मतलब यह नहीं है सिर्फ कि उनकी मूर्तियों पे, उनकी तस्वीरों पे माला चढ़ा दी जाए। कल 28 सितंबर है, तमाम नौजवान अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तमाम इंस्टाग्राम पे भगत सिंह की फोटोएं भी लगाएंगे, डीपी भी लगाएंगे, लेकिन हम लोगों को लगता है भगत सिंह को पूजने से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और इसी मकसद से हम लोग मानते हैं कि भगत सिंह के विचारों को लोगों तक लेके जाया जाए, भगत सिंह के उन विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। उसके लिए हम लोग लगातार पिछले एक हफ्ते से देश के अलग अलग कोने में नौजवान भारत सभा नुक्कड़ नाटक कर रही है, पर्चे बांट रही है, सेमिनार कर रही है, और भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर, मेहनत करने वाले लोगों को मेहनत का पूरा हक मिल सके। इस मायने में 75 साल आजादी का पूरा होने पर भगत सिंह के सपने अधूरे लगते हैं, इसलिए भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेना होगा, और हम लोग अपने गीतों नाटकों के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये प्रस्तुति करेंगे। नाटक और गीत सिर्फ मन बहलाने या मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि नाटक और गीत एक नए समाज को बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं, हम लोगों की संवेदनाओं को जगाते हैं, जोड़ते हैं। इस मायने में ये गीत नाटक आप लोगों के बीच हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, हम लोग सबसे पहले एक गीत से अपनी शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। गीत हमारे साथी है गुरमीत, वो यहाँ पर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हम कुछ नारे लगाएंगे भगत सिंह को याद करते हुए, फिर नाटक की शुरुआत होगी। भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में इनकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, तूने तो तब ही बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, ये पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है, तूने तो तब ही बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, ये पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है। इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज हमारी भूख हड़ताल 2 महीने से चल रही है, लेकिन ये जालिम सरकार हमारी मांगे पूरी करना दूर, हमारी बात तक नहीं सुन रही है। लेकिन साथियों, जब तक ये जालिम सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी और हमारी बात की सुनवाई नहीं करेगी, तब तक हम हमारी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना गवा देनी पड़े। इंकलाब, इंकलाब, हमारी मांगे। अरे क्यों हंगामा मचा रखा है, ठीक
कर बैठ जाओ वरना बंदे बना दूंगा बंदे। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम कैदी हो, कैदी की तरह रहो, तुम्हें यह बोलने का कोई हक नहीं है। हम कोई आम कैदी नहीं और ना ही कोई चोर चक्के हैं, बल्कि राजनीतिक बंदी है। जेल का कानून यह कहता है कि हमें पीने का साफ पानी, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े और पढ़ने के लिए अखबार और किताबें मिलनी चाहिए और यह हक हम लेकर आएंगे। इनकलाब, इनकलाब। हमारे साथी भूख प्यासे तड़प रहे हैं और कुछ तो नहीं। साथी किशोरी लाल, यह दुनिया की सबसे बहरी गूंगी और अंधी सरकार है। यह किसी की नहीं सुनती, ये हमारे जैसे बेगुनाह देशभक्तों को जेलों में साड़ती है, तल्लो और माफीनामा लिखने वालों को वजीफा और पेंशन देती है। लेकिन साथियों, हम भूखड़ ताल नहीं तोड़ेंगे और इस सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। इंकलाब, इंकलाब, हमारी मांगे, हमारी मांगे। आप थोड़ा दूर पी लो। नहीं भगत, मैं अपने देश और साथियों के साथ गर्दारी नहीं कर सकता। मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। पानी साथी जितिन दाब नहीं रहे। चलो राजगुरु, देव चलना, चलो भगत। कैसे मिलेगी आजादी, कैसे होगी क्रांति? भूख हड़ताल पर बैठ जाओ और तड़प तड़प कर मर जाओ। ये रास्ता तो शांति शांति पुकारने वालों का है। क्रांतिकारी दुश्मनों को मारते हैं, खुद मर जाते हैं। साथी राजगुरु, आपके ख्याल से अब हमें क्या करना चाहिए? साथियों, मैं तो कहता हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा हथियारों का प्रबंध करना चाहिए और इन अंग्रेजों को मारकर क्रांति की शुरुआत करनी चाहिए। नहीं साथियों, बम और बंदूक कभी क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार तो विचारों की सार पर तेज होती है। क्रांति का मतलब यह नहीं कि कुछ बहादुर और ईमानदार लोग हथियार उठा लें और इस दुश्मन को मार दें। क्रांति तो जनता करती है। आज हथियारों से ज्यादा जरूरी है जनता के बीच क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करना। भगत, राजगुरु, लेकिन हमारे देश की जनता तो अनपढ़ और लाचार है। उनके लिए तो काला अक्सर भैंस बराबर है कि जनता क्रांति करेगी। साथियों, जनता को कभी कमजोर मत समझना। जनता में बहुत ताकत होती है। क्रांतिकारी हथियारों से ज्यादा जनता की ताकत में भरोसा रखते हैं। एक बार ये जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी धूल चटा सकती है। लेकिन साथियों, ये विचार जनता तक लेकर कौन जाएगा? हमारे अखबारों के हाल तो तुमने देखे ही होंगे, क्या हिंदी के क्या उर्दू के, दोनों अखबारों में हिंदू और मुसलमान के बीच आग भड़काने का काम करते हैं और इससे सरकार का काम और भी आसान हो जाता है। साथियों, यही तो बात हम इस जनता को समझाना चाहते हैं कि वो सभी भेदों को बुलाकर एक हो जाए। उनकी मुक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इंकलाब से होकर जाता है। आज देश के सभी पूंजीपति इस जनता के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। लेकिन क्या आजादी के बाद हमारा राज आ जाएगा? क्या सभी को न्याय मिल पाएगा? क्या समाज में लोग जाति पाति का भेदभाव मिटा सकेंगे? क्या सभी लोग बराबरी का हक प्राप्त कर सकेंगे? साथियों, हमारा राज से मतलब है मेहनत कशों का राज। देश की गति पर चाहे कोई भारतीय पूंजीपति बैठा हो चाहे अंग्रेज पूंजीपति, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं है, ये तो लड़ाई का पहला कदम है। हमारा लक्ष्य है समाजवाद की स्थापना, यानी कि मेहनत कशों का राज, जहां एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का कभी शोषण न हो। राजगुरु, सुखदेव, भगत, चलो वक्त आ गया है कि फांसी की सजा को आज ही अंजाम दिया जाए। नहीं, आज तो 23 मार्च है, बल्कि हमारी फांसी की तारीख तो 24 मार्च की थी। मैं नहीं जानता, ऊपर से हुक्म आया है। साथी, देखा तुम्हारी गौरव में दुकान आए, फांसी की सजा देने के बाद भी जिंदगी का एक दिन काट लिया। तुम सही कहते थे,
ये अंग्रेज किसी के सगे नहीं होते। तुम चाहो तो आखिरी वक्त अपने रब को याद कर लो। नहीं साथी, ना तो मैं मौत से डरता हूँ और ना ही मैं किसी रब पर भरोसा रखता हूँ। मैं पूरा नास्तिक हूँ। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो? साथी, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं इस जेल के सफाई कर्मचारी के हाथों की बनी रोटी खाना चाहता हूँ, क्योंकि उसे मैं अपनी बेबे मानता हूँ। मेरा मलमूत्र या तो मेरी बेबे ने साफ किया था या इस जेल के सफाई कर्मचारी ने। सोच लो भगत सिंह, वो आदमी नीची जाति का है, अछूत है, आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं साथी, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा बोल के हम इंसान और इंसानियत दोनों का अपमान कर रहे हैं। जिन्हें आप अछूत लोग कह रहे हो, यही देश के असली निर्माता है। इन्हें जब जब भी मौका मिला है, इन्होंने अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाए हैं। वीर शिवाजी की असली ताकत यही अछूत लोग थे। इन्हीं के दम पर वीर शिवाजी ने अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। गुरु गोविंद सिंह की फौज में यही सुरमा लोग थे। जिस दिन ये सोए हुए शेर उठेंगे और अपनी ताकत पहचान कर हुंकार भरेंगे, गरजेंगे, दहाड़ेंगे, उस दिन ये इस पेपर सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। इंकलाब, इंकलाब। चलो, वक्त आ गया है। साथियों, ये नाटक बहुत कम दिनों में तैयार किया था और ये कल शायद स्कूल में भी ये नाटक प्रस्तुत करेंगे बच्चे 28 तारीख को। यहाँ पर इस नाटक को करने का मकसद यही है। जाहिर तौर पे 10 मिनट के नाटक से हम लोग भगत सिंह के पूरे विचारों पे, भगत सिंह के पूरे जीवन पे तो प्रकाश नहीं डाल सकते थे। हम लोगों ने बहुत छोटी घटनाएं दिखाई हैं भगत सिंह के जीवन की, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगत सिंह ने भी जेल के अंदर लंबे समय तक भूख हड़ताल रखी, राजनीतिक कैदी के लिए दर्जे की जो लड़ाई लड़ी और उसके लिए उनके एक साथी शहीद भी हुए थे, बंगाल के क्रांतिकारी थे जतिन दा। और उसके बाद 113 दिन तक भगत सिंह और उनके साथियों ने वो हड़ताल रखी और भगत सिंह अपने लेखों बयानों में जो बात कहते थे वो आज भी मौजूद है। आज भी वो जरूरी है कि लोगों तक, मजदूरों, किसानों, नौजवानों तक पहुंचे, क्योंकि देश के अंदर रोजगार का मुद्दा हो, बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा हो, इस देश के अंदर आम मेहनत करने वाले लोगों के हक अधिकारों का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे आज भी हम लोगों को लगता है वो लगातार आम जनता से लगातार दूर किए जा रहे हैं। अभी पीछे खट्टर सरकार के जो नए फरमान है उसके अंदर सरकारी मेरे भगत सिंह वे तेरा लिखिया पढ़ दीना, वो तेरे दिन भी लोग मनाउंदे ने वे तेनू फोटो कर कर लाउंदे ने, तू जम्मे दोबारा चाहुंदे ने, तू जम्मे दोबारा चाहुंदे ने, पर जम्मे ना साडे हीरे आवे तैथों डर दे डांड वीरे आ, 23 साल दी उम्र न्याणी सी ना, तू जवानी माणी सी इक वक्त दी नबज पछाणी सी, इक वक्त दी नबज पछाणी सी, दित्ती जानवार तू तूरे आकैणी करनी दे पूरे आ, तेरा ना अज नेता बेच देने, तेरा कद वोटा नाल मेच देने, सब अपनी रोटी सेक देने, सब अपनी रोटी सेक देने, पुल बैठे तेरे हाबरू जो द्यावे तेरे इनकलाब नू, जो द्यावे तेरे इनकलाब नू, सूर्यावे तेरे इनकलाब नू,
यहाँ पहुँचे आस पास पड़ोस गाँव के मौजूद लोग, हमारे गांव के मौजूद सदस्य और उम्मीद क्लब के जारी बच्चों, इस तरह से यहाँ पे भगत सिंह जी की बात चल रही है तो उनको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। वो ऐसी शख्सियत थी जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्हीं की देन है कि हम आज हमारे विचार एक स्टेडियम में या एक मंच पर खड़े होकर आप लोगों से साझा कर रहे हैं। तमाम उन शहीदों की गाने में एक बोल था कि भगत सिंह तू दोबारा पैदा हो पर पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो। ये सभी चाहते हैं कि कोई क्रांतिकारी आए, क्रांति करे और देश की व्यवस्था को बदले, परंतु चाहता ये है कि मेरे घर ना हो, तो ये नहीं। आप लोग सब जो यहाँ बैठे हैं, बच्चे आने वाले देश के भविष्य हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई भगत सिंह बने तो ही देश का सुधार हो। आप लोग अगर अच्छे नागरिक बनेंगे, आप शिक्षा में या समाज में किसी और क्षेत्र में जाकर गांव का देश का नाम रोशन करोगे तो भी उससे देश की तरक्की होगी। आशा करते हैं कि जैसे उम्मीद क्लब हमारी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है, खेल में, समाज सेवा में, हर क्षेत्र में आगे जा रहा है, तो हमारी आशाओं के अनुरूप ये चल रहे हैं और आगे भी हम यही चाहते हैं कि इसी तरह से आप लोग समाज में बढ़ चढ़ कर भाग लें, सामाजिक कार्यों में, खेलों में। आप सबके साथ गांव जुड़ा हुआ है, ऐसे ही जुड़ा रहेगा। धन्यवाद। साकार करो भगत सिंह के सपनों को। ये क्या अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम। अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम। अमर शहीदों का पैगाम भगत सिंह ने दी आवाज। बदलो बदलो देश समाज। बदलो बदलो देश समाज। भगत सिंह ने दी आवाज। बदलो बदलो देश समाज। भगत सिंह ने दी आवाज। और एक है, जात पात में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। जात पात में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। जात पात में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहे। अमर रहे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहे। अमर शहीदों का पैगाम।